नागरिकता कानून पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्रों का क्या कहना है, ये भी दिखाते हैं आपको। कुछ छात्र मौजूद हैं जो लगातार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। हम कुछ छात्रों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस कानून के बारे में वो कितना जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ये समझता हूँ कि ये जो नए नवेले लोग इस वक्त आ गए हैं, ये न हिंदुस्तान की तारीख को जानते हैं, न हिंदुस्तान की तहजीब को समझते हैं। ये किसी वजह से इन्होंने हुकूमत तो हासिल कर ली है, लेकिन हिंदुस्तान जो हज़ारों साल से एक दुनिया की इज़्ज़त और दुनिया में एक वक़ार उसने हासिल किया था, वो इसी वजह से था कि दुनिया की सारी अच्छी और समझदार कौमें जब कहीं मुसीबत और परेशानी होती थी तो सबसे पहले हिंदुस्तान को तरजीह देती थी, चूँकि इंसानों की यहाँ पर बाकायदा कदर की जाती थी और उन्हें फलने फूलने का मौका दिया जाता था, जिससे हमारे मुल्क में खुशहाली आई। देखिए, ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है और ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी को एलिनेट करने के लिए बनाया गया है और अदराइजेशन की पॉलिटिक्स है इसमें पूरी इन्वॉल्व। तो ये इसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ इस बिल का। दो चीज़ें हैं, एक तो NRC है और दूसरा CAB है। और इस बिल में जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सेकुलरिज्म की बात करता है, उसको ही ये वायलेट करता है, जो प्रीएम्बल है हमारा वो। और वो इस तरह से करता है कि वो ये कहता है कि 2014 तक जितने भी लोग आए हैं इस देश में बाहर के, उनको हम नागरिकता दे देंगे, ठीक है, सिवाय मुसलमान के। तो बात ये है कि पहली बात तो ये है कि आप जो या तो किसी को भी मत दीजिए जो बाहर के तत्व हैं, और अगर आप दे रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप दे रहे हैं, वसुदेव कुटुंब की बात देश करता है, तो आप फिर सबको नागरिकता दीजिए। नागरिकता जो ये बिल पास हुआ है, इसलिए उधमबाजी हो रही है कि ये लिस्टेड भी नहीं था उस दिन, और उसके ऊपर कोई भी उन्होंने बहस नहीं कर पाई। हमेशा से ये होता है कि जब इतना सेंसिटिव वो हो, क्या कहते हैं, बिल लाया जाए, और उनको पता था पहले से ही, और ये कई जगह कामयाब भी नहीं हुआ। तो आप किसी को भी उसके मजहब के नाम पे कानून नहीं बनता है, कानून बनता है सबको इक्वलिटी का दर्जा दिया गया है। तो इसमें अगर लोगों की बहस करवा लेते, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, सब लोगों को सुन लेते और सब मुतमईन होते, उसके बाद बिल पास हो जाता। इसीलिए उधम मच रहा है कि इस उधम मचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यही नहीं पता कि ये कानून आ रहा है, जब लिस्टेड नहीं है और आपने इतनी जल्दी फैसला ले लिया और कानून बना लिया, तो उस ज़ाहिर उधम मचना तो संभाविक है। और सिर्फ ये राजनीति हो रही है वोटों की वजह से, क्योंकि सबको पता है कि अब इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन है उसमें ताकि हिंदू मुसलमान का बंटवारा कराया जाए, और सब BJP करा रही है, ये किसी ने नहीं कराया, हिंदू मुसलमान कोई ना लड़ रहा है, और सभी लोग कह रहे हैं, आज सारा हिंदुस्तान मिलके कह रहा है कि ये गलत फैसला है, जब तक किसी चीज़ को सब लोगों की राय से ना हो।